दोस्तों, कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था कंप्यूटर साइंस वर्सेस कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन हिंदी, CS वर्सेस CE डिफरेंस इन उर्दू। तो उस ट्यूटोरियल में बेसिकली मैंने कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, और आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं उस वीडियो के नीचे। तो बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअली सबको आंसर करूं, मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो बना देता हूं और आपके तमाम सवालों का जवाब देता हूं। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या सवाल है। चमन सिंह ने पूछा है कि सर, कंप्यूटर साइंस बायो वाले कर सकते हैं? जी चमन सिंह, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप किस बोर्ड से, किस रीजन से आप एग्ज़ाम आपने दिए हैं और किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। वैसे आमतौर पे ये होता है कि बायो वालों को कंप्यूटर साइंस के अंदर दाखला नहीं दिया जाता, एडमिशन नहीं होता, लेकिन यह है कि आप कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, अगर इस तरह की बात है तो आप कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेके फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ जा सकते हैं। जो कंप्यूटर साइंस की डिप्लोमा होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एसोसिएट डिप्लोमा होता है, उसके अंदर आप को एडमिशन मिल सकता है। लेकिन जो डिग्री प्रोग्राम होता है उसमें आमतौर पर रिक्वायरमेंट होती है मैथमेटिक्स की, प्री इंजीनियरिंग की, फिजिक्स की या फिर साइंस की। अच्छा जी, इसके बाद अब्दुल्ला शौकत का सवाल है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस कैसा रहेगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या कर लिया? तो अब्दुल्ला शौकत, बेसिकली ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आपको लगता है कि वाकई में आपका इस साइड पे इंटरेस्ट है और आप कंप्यूटर से आप में दिलचस्पी है, तो आपका प्रोग्राम ये अच्छा रहेगा। डिग्री आपको या एसोसिएट डिग्री आपको एक हद तक लेके जाती है, उसके आगे जो जॉब है, जो काम है, ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, उसमें आपका एप्टीट्यूड और आपका शौक काम आता है। तो अगर आपको लगता है कि आप उसमें चल सकेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी जॉब्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सिर्फ एसोसिएट डिग्री करके आप को अच्छी जॉब मिल जाएगी और आपको आता जाता कुछ नहीं होगा, तो फिर मुश्किल है। अच्छा जी, हरिओम कुमार कह रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डीपली बताओ सर, स्टार्ट टू एंड प्लीज़। जी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इसके ऊपर मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए हैं जो मेरे इस वक्त चैनल पे हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्ट शो किया है आप लोगों ने, तो इसके ऊपर मैं इनके जो सब फील्ड्स हैं उनके ऊपर भी ट्यूटोरियल बताऊंगा, डिटेल में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। अच्छा जी, ऋषभ गिरी पूछते हैं कि सर, किसका प्लेसमेंट अच्छा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का या कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी का? तो ऋषभ, बेसिकली वही आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से डिग्री की है। हमारे जैसे मुल्कों में, देशों में प्रॉब्लम यह है कि इंस्टीट्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, जिनने शायद सिर्फ कुछ सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं और बहुत अच्छे जॉब्स कर रहे हैं। तो ये सारा आपके पर्सनल उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आप कहाँ पे रहते हैं, कहाँ जॉब करना चाहते हैं, इन चीज़ों को देखते हुए फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, बर्षा रानी चांद कहती हैं कि सर, मुझे C++ और जावा की लॉजिक्स पार्ट को जानना है, प्लीज़ सर इसके लिए भी वीडियो बनाइए। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जावा के ऊपर या C++ के ऊपर एक ट्यूटोरियल सीरीज़ शुरू करूं, जिस तरह की वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ मैंने बनाई थी, लेकिन उसके बाद मैंने कोई सीरीज़ नहीं बनाई। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनकी ऊपर भी बेसिक्स से लेके इंटरमीडिएट लेवल की आपके लिए ट्यूटोरियल्स बनाऊँ। यार भाई कह रहे हैं बेस्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच यार भाई। अच्छा जी, सूरज कुमार कह रहे हैं सर, वॉट टू रीड इन कंप्यूटर साइंस। मेरे ख्याल से वो पूछना चाह रहे हैं कि हम क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो बेसिकली
डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट कॉलेजेस ना थोड़ा ऊपर नीचे प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, तो आप उनके प्रॉस्पेक्ट्स में देख सकते हैं कि वो क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, और वही चीज़ क्या कंप्यूटर साइंस में आपने मेजर किस में करना है वो भी आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। एक चीज़ ये कि जो आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है उसमें फिर आप उसी साइड पे जाएं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करें, ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट पकड़ें, ई कॉमर्स की साइड पे जाना चाहते हैं तो उसी से रिलेटेड वेब से रिलेटेड वही चीज़ फिर आप अपने मेजर में रखें और प्रोजेक्ट में भी रखें। अच्छा जी, प्रातिक लाहरे कहते हैं सर क्या मैं 12th बायो में करने के बाद CS कर सकता हूँ? जो अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो शायद एडमिशन ना दें, वो आपसे एडिशनल रिक्वायरमेंट लें एक दो सब्जेक्ट्स की या फिर आपका टेस्ट लें, लेकिन आमतौर पे बायो वालों को कंप्यूटर साइंस के अंदर अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ नहीं दाखिला देती, लेकिन आप एसोसिएट डिग्रीज डिप्लोमास वगैरह कर सकते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके आप फिर जा सकते हैं। एजुकेशनल गुरुजी पूछ रहे हैं जी सर विच इज़ बेटर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग? डिपेंड करता है वही आपके एप्टीट्यूड के ऊपर, आप क्या करना चाहते हैं, आप पीछे से क्या करके आए हैं। अगर आप मैकेनिक टाइप के बंदे हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छी है, आपका दिमाग काम करता है लॉजिक है तो कंप्यूटर साइंस अच्छी है। सिंपल सा ये सवाल है, मतलब जवाब है, लेकिन इसमें आपको अपने सब चीज़ें इन्वायरमेंट देख के फैसला करना चाहिए। गेम फैन कहते हैं कंप्यूटर में कितनी फील्ड्स होती हैं? ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाइए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। बहुत अच्छा, बेसिकली ये आपने सजेशन दिए, इसके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा कि आज जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो ये 10-12 फील्ड्स होती हैं जिसमें आप जा सकते हैं, और फिर उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट किस्म की होती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको जॉब रिक्वायरमेंट्स और आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक लेके जा सकती हैं, लेकिन हम इसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो बनाएंगे। लक्ष्मी कुमारी थैंक यू सर, जी यू आर मोस्ट वेलकम। सुजीत कहते हैं कि सर कंप्यूटर साइंस और IT में यदि कंपेयर करो तो क्या बेस्ट होगा? बिकॉज मुझे प्रोग्रामर बनना है, यदि यानी कि मैं IT ले रहा हूँ, क्या मैं प्रोग्रामर के लिए एलिजिबल हूँ? सर प्लीज़ आंसर मी सून। देखिए IT की डिग्री बेसिकली, अगर ITM की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की डिग्री है, तो शायद मुश्किल है। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट किस्म के IT के प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, तो इसका बताना तो मुश्किल है, लेकिन आप जो वही फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स करें वो आप फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही करें, चाहे वो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का हो, चाहे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो, वेब डेवलपमेंट का हो, कोई भी चीज़ हो उसमें प्रोग्रामिंग ज़रूर कर दें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट है तो उसके अंदर भी आप लॉजिक डिज़ाइनिंग वगैरह करें तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की साइड पे जा सकते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइड पे जा सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह होती कि आप कंप्यूटर साइंस करते तो बेहतर होता। और अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आप कोई एक दो सर्टिफिकेट्स कर लें, कोई डिग्री कोई डिप्लोमा साथ साथ कर लें 5-6 महीने का, साल का, या आप खुद मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना शुरू करें शुरू ही से, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। अच्छा जी, संतोषी रे कहते हैं हम कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ लेकिन मेरे समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग? जी ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, वही आपके ये जो डिसीजन होता है कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है वही आगे आपको बताता है कि वो क्या करेगा। तो सबसे पहले आप खुद सोचें कि आपका एप्टीट्यूड किस साइड पे है, फिर किसी से मशवरा कर लें जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको आपके बारे में ज़्यादा बेहतर पता है, तो मैं जनरली नहीं बता सकता, हर फील्ड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर फील्ड में लोग बहुत ऊपर ऊपर भी जाते हैं, तो आप दोनों में से कोई फील्ड चूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का ये फ़ायदा होता है कि आप किसी साइड पे भी निकल सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फिर आपको स्पेसिफिक साइड पे ले जाती है, लेकिन कंप्यूटर साइंस से आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी बन सकते हैं, डिग्री पे डिपेंड करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग शायद आप कर ना सकें, तो वही
आप देखें कि आपकी लॉजिक स्किल्स कैसी हैं, मैथमेटिक्स कैसा था, आपने क्या किया है, एप्टीट्यूड क्या है, तो उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं विच इज़ बेटर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। वही कि डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, तो आप उनके सब्जेक्ट्स देखें और फिर डिसाइड करें कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। विच सब्जेक्ट इज़ इन CE एंड CS? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ज़्यादातर हार्डवेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस में आपके हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स दोनों होते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो ट्यूटोरियल था। और भी कोई सवाल होंगे तो मैं आपके जवाब दे दूंगा इसी तरह वीडियो ट्यूटोरियल्स में या फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। मैं जो जिस ट्यूटोरियल का ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, अगर आप पहली दफ़ा ये देख रहे हैं तो उस ट्यूटोरियल को भी ज़रूर देखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।